गॉड, यस, ओ माय गॉड। अक्षय जी, मैं जितनी बारी भी ओ माय गॉड कहूंगी आपको प्लीज सीटी बजानी पड़ेगी। ओ माय गॉड, हाय, ओ माय गॉड। देखा, मैंने कहा था ना भगवान कितने खूबसूरत होते हैं। और सच किसी ने कहा है कि भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा भगवान फिल्मों के लिए 30-35 करोड़ ले तो वाकई सारे प्रोड्यूसरों का इनको पाना बहुत मुश्किल है। भारती जी कम बोल रही हैं। क्या करूं, आप इतने दिनों के बाद हमारे कॉमेडी सर्कस में आए तो अंदर की बातें बाहर आ रही हैं। एक बात बोलूं, आप तो भगवान हैं, अंदर की बात जानते हैं। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज। मेरा भी घर का नाम ट्विंकल है, और अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो ये ट्विंकल आपको कितने सारे लिटिल लिटिल स्टार दे देगी। लेकिन आज अर्चना मैम, कृष्णा और कपिल, आज मैं तुम तीनों को बता दूं कि आज मेरा दिन है, क्योंकि मैं अक्षय कुमार के साथ कर रही हूं खिलाड़ी 786, और हम लोगों का सेट मर्ड आइलैंड में लगा है, और इन्होंने मुझसे बहुत अच्छा काम निकलवाया है। सर, हमारी फिल्म आ रही है ना, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने खिलाड़ी 786 करने से पहले इतनी रिहर्सल की इन्होंने सोनाक्षी के साथ 3-4 फिल्मों में, अब ये मेरे को आराम से अपनी बाहों में पकड़ सकते हैं। नमस्कार परेश जी। नमस्कार। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आज तक भी इस मंच पे मैंने जितनी भी कॉमेडी की है आपको देख देख के की है। जैसा आपने किया है मैंने वैसा ही यहाँ पर किया है। और प्लीज, अगर आज किसी बात पे हंसी ना आए तो फिर नुक्स आप में है, मेरे में नहीं। मैं तो सही हूँ, लेकिन मैं आप सबको बता दूँ कि मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, और इस जंगल में मैं इस झरने के नीचे नहाने आई हूँ। देखा, मुंह खुल गया इनका। ठीक है, मैं नहाती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत शर्म आएगी आप लोग के सामने इस स्टेज पे नहाते हुए, वो भी कपड़े पहन के। देखा, लड़कियां पर्दे में कितनी खूबसूरत लगती हैं। ओह गॉड, अबे ओ नल्ले राजे, कितनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने नहा रही है और तुम युद्ध में डूबे हुए हो। सुंदर लड़की, ओ माय गॉड, किधर है? तो मैं क्या कीचड़ में गेंडा फंसा हुआ हूँ? लेकिन तुम कौन हो? हम पड़ोसी मुल्क के राजकुमार हैं, राजकुमार हैरानी। हैरानी? ऐसे ही पहले एपिसोड में हमारे जजिस को हैरानी हुई थी कि कौन सा नया टैलेंट उठा के ले आए ये लोग। ए लड़की, हमारी इंसल्ट कर रही है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे भगवान के लिए छोड़ दीजिए। प्लीज, मैं भगवान की हूँ, मुझे भगवान के लिए छोड़ दीजिए। नहीं, आज बुलाओ अपने उस महाराज को यहाँ पर, देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। अच्छा, महाराज को पहले देख लो कि उससे तुम्हें कौन बचाता है। अभी बुलाती हूँ मैं। महाराज, महाराज, महाराज। पहले ये बताओ मुझे, किसने बुलाया महाराज को, किसने बुलाया? अच्छा खासा पूरी सेना को मैं डांस सिखा रहा था, क्रिकेट धूम, क्रिकेट धूम, क्रिकेट धूम। लास्ट का ठुमका मैं मारने ही वाला था, इसने मुझे बुला ले। किसने बुलाया महाराज को, बोले बोले किसने बुलाया? ये महाराज है ये। ए नल्ले, दूंगी ना चमाट ऐसा। हाँ। वैसे यहाँ 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 तू बता नल्ले, तू कौन है? हम पड़ोसी मुल्क के राजकुमार है, और हम तुम पे हमला करने आए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तू मुझे मारोगे? तिरकिर धूम। हाँ। धा धा धा। हाँ। ता ता ता। हाँ। तो ठीक है, मारो। जा, मैं तुमसे नाराज हो गया। यार ये बार बार तुम नाराज क्यों हो जाते हो? अबे नल्ले, इतना बड़ा भाला लाए और कुछ कर भी नहीं रहे हो तो नाराज ही होगा ना मैं। ले, फेंक दिया ये भाला। अब मरने के भाला फेंक दिया तूने नल्ले। हाँ, अब मरने के लिए तैयार हो जा। मारेगा? मार। हाँ, मरने के लिए तैयार हो जा। कैसे मारेगा? सीने पे। तो मार। राज्य पर तो हमने कब्जा कर लिया। क्या हो गया पिताजी आपको? आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पिताजी उठिए। तू जा, तू जा। इतने तो इसने तलवार मार दी है, तो पूरा दबा रही थी मेरे को। बेटी, तेरे बाप को उसने मारा कुछ चुप करके। ये कौन है?
ये मेरी बेटी है, धाधा तीन तीन धा। चाह रहा था यार। तो क्या हुआ, दो मेरे कट गए थे ट्रेन एक्सीडेंट में। चल अभी इससे शादी कर ले चल। ए, चार हाथ वाली से मैं शादी नहीं करूंगा। पप्पा इसको समझाओ कि मेरे चार हाथ के क्या क्या फायदे हैं। अरे पूरे क्रिकेट का मजा एक ही साथ ले लेती है मैं। इधर हट नल्ले सुन, मेरी बेटी ऑल राउंडर है। हाँ क्रिकेट खेलते वक्त दो हाथ से बैट पकड़ती है, एक हाथ से बॉल डालती है और तीसरे चौथे हाथ से फील्डिंग करती है। और मैं थर्ड अंपायर। अरे मैं तो दो हाथ से हेड मसाज भी कर लेती है। तो उसमें क्या है, वो तो हम भी कर लेते हैं ये लो। अच्छा स्कूटर चलाते वक्त करके बता फिर मानू। अरे मेरे चाचा है ना, उसे पीठ पीछे दो आंखें है। एक बार तो उसने रंगे हाथ चाची को पीठ पीछे ही पकड़ लिया था। और हमारे जगदीश चाचा है ना, उनकी बेटी को तो चार टांगे हैं। नहीं पापा वो बकरी है। जान देना इसको किधर समझ में आ रहा है, छोड़ना क्रिकेट खेलना है। अच्छा एक काम करो, देखो 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 मेरी बेटी से शादी कर लो, हट्टी कट्टी हेलो हाउ आर यू सब करेगी। अबे बाहर में जाओ तुम दोनों। चार हाथ वाली तो ठीक थी, इसके अंदर तो चार पांच लोग घुसे हुए, मैं इससे शादी नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन तो मेरी बात तो सुन, अभी जाना एग्जिट है तेरी, वही बताओ जल्दी। अबे सुन तो, बेटा 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 बेटी 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 बेटी, वो तो चला गया, अब मेरा क्या होगा। पापा आपका तो कहीं भी कुछ हो जाएगा, लेकिन इधर मेरा क्या होगा। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और भगवान अगर पंजाबी अमृतसर से हो तो और मजा आता है। मेरा वो भगवान है पापा, मैं उससे शादी करेगी। क्या बोलते हैं रिश्ता बंधु है तो आ जाओ। How are you? एक मिनट तुमसे बाद में बात करती हूँ। निकुल सर व्हाट इज दिस, ये कॉमेडी सर्कस के अजूबे है कि कॉमेडी सर्कस की फिल्म प्रमोशन है। अरे कभी अक्षय कुमार, कभी करीना कपूर, कभी रणबीर कपूर और अब रानी मुखर्जी। चलिए तो बहुत बड़ी स्टार है। मैंने सुना है कि अगली बार ये मलिका शरावत भी आ रही है। मुझे एक बात बताओ, ये कॉमेडी सर्कस हम लोग चला रहे हैं कि ये फिल्म के स्टार चला रहे हैं? हाँ वही लोग चला रहे, तेरे को कौन जानता है मोटी। एक्चुअली मैं और निकुल बहुत अच्छे फ्रेंड है तो ऐसी मस्ती चलती रहती है। बाद में बताऊंगी टकले तेरे को। 5 साल से मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरा खुद का घर खुद की गाड़ी है, लेकिन गांव से कोई भी मुंह उठा के इधर आ जाता है। ओ गॉड, अभी मम्मी का लेटर आया है कि मेरी कोई गांव से छोटी बहन आ रही है, कोई चाचा जी की लड़की, ना जान ना पहचान, मैंने कभी भी नहीं देखा अर्चना जी। मम्मी ने कहा है कि वो अपने पति के साथ आ रही है, नई नई शादी हुई है। मैंने घर बनाया, कोई हनीमून लॉज थोड़ी। दीदी तुम कौन? दी देखो ध्यान से। अरे कौन हो तुम? रुको आप पहचानो? पागल हो गवार लड़की, खड़े भी नहीं पहचानी तो बैठे भी कैसे पहचानूंगी। दी लास्ट टाइम जब आपने मुझे देखा तब मैं इतनी सी थी। तुम्हारा नाम क्या है? गुत्थी। देखो गुत्थी तुम शहर में आई हो, पहले अपना नाम चेंज करो, सोहेल खान को पता चल गया ना तो इधर वैनिटी में सुलझा देगा। दीदी पॉसिबल है? शट अप। मम्मी ने लेटर पे लिखा था कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। हाँ दीदी। लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है? दीदी वो बाहर गाड़ी साफ कर रहे हैं। शक्ल और कपड़ों से लगता नहीं तुम लोगों के पास खुद की गाड़ी होगी। दीदी हमारे पास गाड़ी है भी नहीं, हम तो टैक्सी से आए हैं। हाँ दीदी वो टैक्सी साफ कर रहे हैं। वो क्या था ना दीदी कि हमारे पास ना किराए के लिए पैसे नहीं थे, 100 रुपए बनते थे, 50 रुपए की तो मैंने टैक्सी वाले को चुम्मियां दे दी। बाकी दीदी मैं बाबे थक गई तो मैंने टैक्सी वाले से कहा कि मेरे पति से वसूल ले, उसने उसकी शक्ल देखी कहता जा जा तू तो गाड़ी साफ कर चल। एक्सक्यूज मी, अगर तुम सोच रही हो कि तुम जैसी गवार लड़की और तुम्हारे पति गवार के साथ मैं इस घर में रहूंगी तो तुम गलत समझ रही हो, समझे? जूस मी। जूस मी? दीदी अभी आपने बोला ना मुझे जूस। एक्सक्यूज मी। हाँ दीदी वही। दीदी मेरे को ठीक कराने के लिए थैंक यू, माय प्रेशर दीदी। प्रेशर? हाँ दीदी। ओ गवार लड़की, माय प्रेशर नहीं होता, माय प्लेजर होता है। दीदी मैं हर बार गलत नहीं होती, मुझे वाकई प्रेशर लगा हुआ है। टॉयलेट कहाँ है? गुड गॉड, देखो वो लेफ्ट में रूम है, उसके पीछे एक कमरा है, वहाँ लेफ्ट में बाथरूम बना है, जाओ वहाँ पे। हाँ इतनी दूर आउट ऑफ टाउन, आज मन नहीं है, फिर कभी आया तो कर लूंगी दीदी। ओ गुत्थी, अरे हैं अरे, मतलब मुझे वहाँ छोड़ आई, सारे मैं टैक्सी साफ करूंगा, तू इसके साथ में लेवल 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 कर रही मोटी के साथ। तूने क्या बोला कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये है कौन? इतनी भी ड्रामेबाज मत बनो, आपको पता तो है कौन है, पिछले 5 एपिसोड से आपके सारे एक्ट यही तो खराब कर रहे हैं। चल दीदी के पांव पकड़ ले। दीदी आती है रियलिटी शो, ये बहुत अच्छी है। छोड़ छोड़।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.